जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का दावा हो, कोशिश कर लें उतनी आवाज के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियां निछावर कर लें। पढ़े बाबा से बुलंद अल्लाहु सल्ली अला मौलाना मोहम्मद बादल जिद्दी वल करम व आलिही व अशहाबिही व बारिक व सल्लम सलातान व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। अगर इसकी इको हल्की कम हो जाए, इतनी रिपीट अगर कम हो जाए तो इतना हो जाए कि बात समझ में आने लगे, थोड़ा सा आवाज बढ़े तो बढ़ा दें, वरना अल्लाह आपको भी सलामत रखे, आपके साउंड को भी सलामत रखे। ठीक है जी, बस इतना कर दें कि आवाज समझ में आने लगे। जो जहां पे बैठा है बड़े सुकून से बैठे, मैं बहुत देर गुफ्तगू नहीं करूंगा, मैं बस उतनी देर बोलूंगा जितनी देर आप मोहब्बत से सुन सकते हैं। वक्त मेरी घड़ी के मुताबिक 2 बजने वाले यानी 2:45 हो चुके हैं, और मेरे बाद भी आपको एक खतीब को सुनना है, शुआरा को सुनना है। बस जितनी देर सुने मोहब्बत के साथ सुने। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अली जनाब भाई जहीर साहब और तैयब भाई और सद्दाम भाई और इनके जुमला रुफाका अहबाब दोस्त जुमला में पुरानी कमेटी और वो तमाम का पुरानी कमेटी जो काफी वक्त से इस अजीम महफिल की खिदमत में लगे हुए हैं, अल्लाह करीम सबकी मेहनतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और जो दूर दराज से चल करके हुजूर के दीवाने आए हैं इस महफिल में, अल्लाह करीम सबकी हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मैं आने वाले को मुबारकबाद पेश करता हूँ। यकीनन ये वो अजीम महफिल है जहाँ पे आज रब के फरिश्ते आते होंगे और जाके कहेंगे मालिक आज हम उस हिस्से से आ रहे हैं जहाँ तेरे और तेरे महबूब की बातें हो रही हैं। ऐसी महफिल में बैठे हैं और इतना बड़ा मजमा और इतनी खामोशी, मैं ये नहीं कहूंगा आप बोलिए, इसलिए नहीं कहूंगा बोलने के लिए क्योंकि मैं जानता हूं समंदर अक्सर खामोश रहते हैं। आप हमें बड़ी अच्छी रकाबत हमारे बुजुर्ग हजरत अल्लामा मौलाना, नाम बोलना ना पड़ेगा कि जानते हैं आप, मैं सोच रहा था आप नाम लेंगे लेकिन आप नहीं बोल रहे थे माशाल्लाह, तो 4 लोगों को नहीं सबको याद है, बोल नहीं रहे थे इसलिए कि बड़े लोगों के नाम नहीं लिए जाते, ये कदम छोटे थे लेकिन यू समझ लीजिए कि काम बड़े बड़ों से ज्यादा किया करते थे। एक जात हिंदुस्तान की बड़ी मशहूर ज्यादा लामा हलचल सिवानी की जात है। आज खैर हो गई, मैं बड़ा डरता हूं इनकी इत्तेफाक से और बड़े कम में आज इत्तेफाक कर रहा हूं, अल्लाह की मोहब्बतों को सलामत रखे। यकीन जाने मैं ये समझता हूं अक्सर जलसे तो यूं कामयाब हो जाते हैं कि इनकी रकाबत होती है, ये सच्ची बात है। भाई मुबारक हुसैन चौहारा और कौशल अकमल साहब, ये बड़े बड़े लहजे आपने सुने हैं और मेरे भाई खतीब उल हिंद हजरत अल्लामा मौलाना इम्तियाज बरकाती शास्त्री साहब, आपने इनका भी पुरबहार किताब सुना, हालांकि मेरी भी ख्वाहिश रहती है मैं भी भाई मियां साहब का किसी दिन खिताब सुनू, लेकिन मेरी नसीब में बन्ने ही ताजिया लिखा होता है, रख दिया जाता है तो आकर उठा के लाया जाएगा तो चादर चढ़ाया जाएगा, कोई मसला नहीं। फिर भी शुक्र है आज मुझे बीच में मौका मिल गया। मैं तो दुआ करता हूं अल्लाह इन जलसे वालों को सलामत रखे, जिनके दिल में इतना प्यार मेरा आ गया, उस पर रहम आया तो उसको इस वक्त ही माइक दे दिया गया। लेकिन आपसे गुजारिश है अगर खतीब को पसीना आए तो बूंद दो बूंद आपको भी पसीना आना चाहिए, क्या राय है? और ये जो आगे वाले बैठे ना बिल्कुल आप उसी तरह है जिस तरह ड्राइवर की साइड वाली सीट पे कोई बंदा बैठा होता है।
अगर ड्राइवर वाली सीट पे बंदा सोने लगेगा तो ड्राइवर कह देगा भाई मुबारक भाई पीछे जाएंगे, मुबारक भाई कहते मेरी गाड़ी आगे बैठेगा, वो कहता गाड़ी आपकी है लेकिन कानून है ड्राइवर के पास बैठ के सोया नहीं जाता। क्यों? कि अगर ड्राइवर के पास सो तो ड्राइवर को भी नींद आ जाती है, अगर उसे नींद आ जाए तो फिर गाड़ी किधर जाएगी? पता है कहां जाएगी गाड़ी? अगर जानते तो फिर आप सामने बैठेगा खुदा के वास्ते, अगर आप बोल को दिखाए कर दिया रसूल अल्लाह। जिन लोगों ने लंगर खाया और अपना तो उसूल है यार, कहीं भी खाए खाते हुजूर को, हुजूर ही का खाते, मैं अक्सर कहता हूं खाते के जरिए डर जाता। अभी आप सबों से बात करनी चाहती है, खाते के जरिए डर जाता, जियो के जियो सलाम करता हूं तो खाते के जरिए लोग खड़े रहे। ऐसा तो नहीं है जिन्हें बैठने जगह मिल गई वो किराया देंगे, जो खड़े रह गए वो किराया देंगे। मसला ही कोई नहीं आ रहा, जो खड़े हैं उनके लिए प्यारी बात आ रही है। घर जाना ना तो अपनी माँ के कदम चूमना, बाप के हाथ चूमना, कहना बाप ये तेरी हलाल कमाई का कमाल था, माँ तेरे दूध का कमाल था, सबने बैठ के हुजूर की बातें सुनी, मैंने खड़े होकर हुजूर की बात सुनी। वो अच्छी माओ के लाल है जो जलसे को खड़े होकर भी सुन लेते हैं। और दुनिया इसी चीज से है जो है, ये कौम अपने नबी से कितना प्यार करती है, और याद आता के लिए किसी अमीर के दरवाजे पे लाल आजादी पड़े हैं तो ये बादशाह खड़े होने तैयार नहीं, नबी के जलसे में हम तो खड़े रहते हैं। तुम्हारे मुंह पे तमाचा है, ये भीड़ ये तो सरहदें पार करके आई है, पहले किसी ने नेपाल को पार किया फिर भारत में आया और भारत वालों ने इस्तकबाल किया, इस मजमे ने बैठ के बता दिया जब मुस्तफा वाले बैठा करते हैं तो न मुल्कों के फासले रहते हैं न नस्लों के फासले, कोई फासला नहीं। कलमा पढ़ने वाला वो भी हुजूर का, और कभी हाथ पकड़ के देख या आवाज दे के देख नबी के नाम पे। ऐतराज हुआ था ना जी कई चीजों को लेके कि हमारे विदेश वाले क्यों बोले, फला जगह वाले क्यों बोले। ओ भाई होश में है, होश में, तुझे पता नहीं है यही तो इस्लाम की खूबसूरती है, अलग अलग लोगों ने अपने आप को जातों में बांटा लेकिन मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए, ला इलाहा इल्लल्लाह की रस्सी दी है, सबको एक रस्सी से बांधा और दुनिया को ये बता दिया ये खिता तुम्हारा जगह नजर आएंगे आज एक जगह खड़े करेंगे। लेकिन तुमसे गुजारिश है, गुजारिश है जैसे तुम सरहदें पार करके एक जगह बैठे हो, खुदा के वास्ते घर की दीवारें तोड़ के भी एक जगह बैठे जाओ, घर की दीवारें तोड़ के भी एक जगह बैठ जाओ। आज नस्बत है हमारे घरों में कितनी है, इतना बड़ा मजमा जैसे मगर सुनना जरा प्यारे, इतने बड़े मजमे हैं हम दूसरे देश से चल करके आ गए
इंडिया वालों ने पार करके दिखा दिया। जरा बिल्कुल सच बताइए, हमारे बीच किसी की नफरत है नहीं? भाई भाई से नाराज कितने ऐसे होंगे जिसे साल बीत गए होंगे भाई से नहीं बोला, कितने ऐसे होंगे जिसे महीने बीत गए होंगे बाप से नहीं बोला। ये जिंदगी हमारी परिवार ने कहा था न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दासा सती होगी दासा। आज भी ये बताते हैं कसम खुदा की हुजूर आएगा तो इतना प्यार दिया दुनिया हुजूर के आगे सबका प्यार करोगे, सबका प्यार। ये मेरे आका के किरदार और अखलाक का कमाल है। आज इतने हमारे अखलाक घटिया हो गए, घटिया। हम जब घर से निकलते ना तो चार यार में बैठते तो सुबह से शाम तक हमारी हंसी नहीं रुकती, लेकिन जब अपनों के सामने आते तो मुंह फिर जाकर तुझे सवाल आने ना हंस सकता ना बोल सकता। बाप कहता कहा था पूछना जरूरी है क्या? ये रहते हमारे पास है, अगर दोस्त मिल जाए क्या हाल है, हंस के जवाब आते थे। तो भाई क्या फायदा, इसे अखलाक कहते, इसे निकाह कहते, इसे मानवता कहते हैं। जब तुम अपनों के नहीं हो सकते तो तुम पढ़ाई के नहीं हो सकते। यारों को हंस के दिखाना, अपनों को दूर चढ़ा के दिखाना ये गलत है। सबों के बीच में मोहब्बत पैदा करो, एक दूसरे से प्यार रखो, उठाना मेरे हुजूर की जिंदगी अखलाक देखकर तुम्हारे सलाम का। अब तुझे बताऊंगी आम से एक बच्चा, माँ की कोई कोई किसी फंक्शन में जा रहा था, किसी दावा में जा रहा था, ठाकुर ने वर्षा किया हमला किया, माँ की कोई से बच्चे को छीना, लेकर के चले गए नाने के पास। आपके की बाजार में बच्चे की बोली बज रही है, जब बाजार में बच्चे की बोली लगी हजरत खदी खदी कुमार का हाथी बाजार में बच्चे को उसके बाद खुदा की हुजूर को दे दिया उसका हाथ पकड़ के पूछना बेटे इस उम्र में काम करने क्यों आया है।
वो कहेगा मैं भी पढ़ना चाहता था लेकिन बाप के जनाजे के साथ मेरे खाब नहीं चले। आज बाप पे कदर करो, इज्जत करो, बाप बाप होता है, हस्ती बिठा देता है औलाद के लिए। बाप हस्ती आंखों छह छह देना से प्रति मिनट पे बैठ के टेन देंगे हम, पता नहीं किस पैसे से खरीदने के लिए, कितनी मेहनत से हमारे बाप ने कमाया है। वो कभी रोड पे बाप को मजदूरी करके देख, कभी लोगों के चलाकों पर लोगों के सामने बाप को गालियां खाते देख, उसने तुझे बाप के लिए कितने लोगों के गाने सुने, कितने लोगों की गालियां सुनी है, तब जाके तुझे जवानी का मौका मिला है। आज जवानी करो बाप को दिखाते हो, बाबा जवानी की बाप को दिखाते हो, हैरानी चाहिए कि बाप को होता है जो औलाद के लिए अपनी साथ दे देता है। जाओ कभी हॉस्पिटलों में जाके देखो बाप के लिए औलाद के लिए बाप क्या कहता है, कहता डॉक्टर मेरा पूरा खून निकाल लो, मेरे बेटे को बचा लो, मेरा दिल निकाल लो, मेरे बेटे को बचा लो, मेरी किडनी निकाल लो, मेरे बेटे को बचा लो। पूछना तुझे जीने की तमन्ना नहीं थी, तू दुनिया को प्यार नहीं करता है, दुनिया का वो कहता सब कुछ पसंद है लेकिन बेटे के बगैर कुछ भी पसंद नहीं है, बेटा नहीं तो जिंदगी नहीं थी। ये बाप का प्यार होता है औलाद से, औलाद को देखो कुछ दिन पहले की बात है, बेटे ने बाप को छत से जाकर फेंक दिया, इसलिए कि उसकी खासा बता शादी हो रही थी, उन्होंने पता तो सही थी, तुझे तो वो नहीं रही है तो क्या मिल जाएगा, जन्नत में जाना चाहते हो, इज्जत दिया करो, इज्जत करो बाप की, कदर करो बाप की। हाँ पीर की है अपनी जगह बेशक ये शान वाला, लेकिन बाप की अपनी जगह बाप कहते मेरा बाप मेरे सामने कैसे बोलता, तुझे है कैसे मेरे आगे आके बोले। बाप के लिए इतना ही काफी है कि वो बाप है, उसके धर्म में लिए इतना काफी है कि वो बाप है। तो कभी ये आगे मेरा बाप अगर के बोलता है, नसीब वाले हैं जिन्हें बाप थप्पड़ मारा करते, मुकद्दर वाले जिन्हें बाप डांटा करते। आज हमें बुरा लगता है, हम रात को 3 बजे आते हैं तो कहते हैं मैं अपने बाप भाषा से परेशान हो गया, 3 बजे घर में हम कदम रखने से पहले कहते कुत्ते की तरह सोते, कुत्ते की तरह कदम रखने से पहले जाग जाते, वो कहते इतनी रात को आया है, जाहिर ये सोया नहीं था, जब से तू आया था तेरा बाप सोया भी नहीं था, ये तो इंतजार में था, बेटा आएगा तब सोऊंगा, बेटा आएगा तब सोऊंगा, तुझसे किसने कह दिया इसने नींद निकाली है, नींद इसे तब आती जब तू बिस्तर पे लेटा होता, नींद इसे तब आती जब तू घर के अंदर होता, तो कुछ तू नहीं आया, तू यारों के साथ में खुलों में मस्तियां करता रहा, पाठों में मौज करता रहा, जब पापा कहा कहा था तो कहता मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मुझे भी समझ है, मुझे अच्छे बुरे की तमीज है, तुझे अच्छे बुरे की कोई समझ लगी है, तुझे कोई तमीज लगी है, तू क्या जाने अच्छा क्या होता है, तुझे क्या पता क्या बुरा होता है, आशा की आवाज सुने कुत्ते की आवाज आती है, आशा ने पापा की आवाज सुने कुत्ते नीचे मेरे पापा निकल जाएगा उसे बाप कहते जिसके नसीब वाला, जिसके नसीब बंद होते बाप बाप है। हजरत जैद बिन हारिसा हुजूर की खिदमत में बचपन था, हजरत हारिसा को पता चला मेरा बेटा मक्के में कैदी बना है, अपने भाई को बुलाया तब पता चल गया तुम्हारे भतीजे का कहा कहां के मक्के रह गए, कहा फिर सुना है गुलामी की जिंदगी गुजार रहा है, गुलामी की जिंदगी। ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, कभी कभी सोशल मीडिया पे भी कोई सही बात मिल जाती है, सारी बातें बकवास नहीं होती, कभी कभी कोई अच्छी बात कह जाता, वो किसी ने पूछा था ये बात बता माँ बच्चे को गोद में क्यों उठाती है, बाप बेटे को कांधे में क्यों उठाता है, तो उसने बड़ा प्यारा जवाब दिया, उसने कहा माँ बच्चे को गोद में इसलिए उठा के रखती है वो चाहती है मैं जहां तक देखती हूँ मेरा बेटा भी वहां तक देखे,
ये मां अपने पुत्र को उठाती है कि जहां तक मैं देखती हूं वहां पर मैं अपने पास देखे काफी बाप अपने तक उठाया उसने सब बाप इसलिए उठाता है कि जहां तक मैं देखती हूं मेरा बेटा उसे भी आगे आ देता है। तुमने क्या बनाया एक छप्पन ना डाल सके और शर्मदार कभी पड़ोसी से पूछिए छप्पन क्यों ना पड़ा कभी पूछ पड़ोसी से ये बंदे के क्या काम करके ये कहेंगे तेरे घर के खर्चे मुश्किल से चलते थे लेकिन जब तू आया ना तुमने बाप की मुसीबत से बात की थी कैसे है तेरे बाप कमाई को 250 की एक दिन में तेरे 300 रुपए 600 रुपए के शौक होते थे इसलिए बाप आदमी का सजा क्योंकि उसे तेरे खाप पूरे करने थे तेरे खाप पूरे करने थे। बाप चाचा से कहा भैया जितनी दौलत है सारी ले लो का किस लिए पता नहीं कि किसने खरीद रखा है बेटे को अगर हमारी कुल कायनात भी मांगेगा ना तो हम देख के बेटे को आजाद कर रखे जाए। ये बाप प्यार था हजरत हालिशा का सफर करते करते मक्का शरीफ आ गए पता किया मेरा बेटा किसके घर है किसी ने कहा कभी जतुल कुबरा के घर पर है का कौन कभी जतुल कुबरा का वो अमल पर आता है उनसे बड़ी दौलत वाली कोई खातून ही नहीं का अच्छा कौन और कौन के शोहर मोहम्मद है उसने कहा ये लोग हैं कैसे लोगों ने कहा ये पूछते हो कैसे है कहा हाँ अब जरा सुनना जब सवाल करने वाले ने सवाल किया ना ये कैसे है एक ने कहा सुनो खदीजा को ताहिरा कहा जाता है मोहम्मद को ताहिर कहा जाता है मोहम्मद को ताहिर कहा जाता है का अच्छा का कौन कुछ का इतने सही है दरवाजे से कोई खाली नहीं है आखिर कोई खाली नहीं है क्या कहेंगे जिसने जो मांगा दिया गया दौलत मांगने वालों को अमीर बनाया गया इज्जत मांगने वालों को इज्जतें दी गई है इस मांगने वालों के बस में खाली गई है सही है हम जाएंगे बेटा लौटाते जो है तैयार में सारे बैठे हैं रसूल अल्लाह ताकि नहीं बैठे तो जरा जोर से बैठो यार रसूल अल्लाह अल्लाह सलामत रखे काई तो ले करी कोई खाली नहीं है अल्लाह अल्लाह पर चचा भतीजे आ गए हुजूर के कदमों में खड़े हो गए सुनावे जी अल्लाह बेटा आपके पास है क्या नाम है तुम्हारे बेटे का जैद बिन हारिस मेरे हुजूर ने फरमाया ठहरो हुजूर ने आवाज दी बेटा जैद हुजूर की जबान से लफ्ज से बेटा निकला आका फरमाते बेटा जैद इतनी आवाज का जिक्र ना था हजरत जैद ने हादसा की आवाज आई जी आया या रसूल अल्लाह आओ आका के कदमों में बैठ गए बाप की तरफ मुड़ के भी नहीं देखा मुड़ के भी नहीं देखा हुजूर की तरफ रुख किया आका फरमाते बेटे ये जानते हो बच्चे से मुस्तफा फरमाते हैं जानते हो मुड़ के देखे कह लगे जी ये मेरा बाप है ये मेरा चचा है अल्लाह अकबर फरमाने लगे ये तुम्हें लेने आए हैं जब इतनी बात की है ये तुम्हें लेने आए हैं हजरत जैद बिन हारिसा ने बाप के चेहरे को देखा अल्लाह अकबर फिर हुजूर के चेहरे को देखा इतना कहना तो लेने आ गए रोने लग जाते हैं आका फरमाते जैद जो तू कहेगा वो किया जाएगा अगर तेरी मर्जी होगी तो भेजा जाएगा मर्जी ना होगी तो भेजा जाएगा हजरत हारिसा ये सोच रहे थे परसों के बाद बेटा मिला है देख करके कदमों से निकट जाएगा पापा दामन नहीं छोड़ेगा ताली हारिसा को भी पता थी कि 40 साल के बाद या खुद बेटे से मिलते हैं हमें देखेगा कदमों से निकल जाएगा हमें देखेगा
तुम्हारे घर की आजादी से मोहम्मद की गुलामी की जिंदगी मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ, खेलने वाले को भी पड़ जाएगा, छोड़ नहीं सकता हूँ। जब ना छोड़ा का फैसला हुआ कहीं हाथ पाता हर शरीर में आया, और आने के बाद मक्के के लोग बैठे थे, ऐलान कर दिया लोगों आज से ज़ैद मोहम्मद का बेटा। अल्लाह अकबर, ये डरता लोगों में बाप को डरता गुलाम है बेटा बड़ा हुआ मुसीबत में होगा। लेकिन जब हुजूर की कुर्बानियां और हुजूर का प्यार देखा ना तो कहने लगे छोड़ के चाहे बेहतर है, इसलिए कि ये तो मुझसे भी ज्यादा मेरे बेटे को प्यार कर रही है।